लाइनें लग गई हैं लोगों की, और ऑफ कोर्स न्यू इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, बुरा हाल है, रहने के लिए जगह नहीं है। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एक कमरा टोरंटो में चार बंदे शेयर कर रहे हैं। मेरे को 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं यहाँ पे, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने तेल का दाम यहाँ पे 1.7 के नीचे देखा ही नहीं। मेरे होश में तो नहीं हुआ भाई, वो एक आधा दिन आया होगा जिस दिन 1.4 1.5 कर दिया होगा इन्होंने। कनाडा की बैकबोन है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आज बंद कर दो तो कनाडा सच्ची में मैं कहूँगा डूब ही जाएगा। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ शुभम और यह मेरा चैनल लॉस्ट इन कनाडा। तो आज बात करते हैं कनाडा के बारे में, क्या चल रहा है कनाडा में। बहुत कुछ चल रहा है बट एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। इतनी चल रही है कि मतलब लोगों की कमर तोड़ दी है, जो और कुछ बचा है तोड़ने वाला वो भी तोड़ चुका है अब तो। मैं कहूँगा इतना बुरा हाल है कि बस क्या बताऊँ, कैनेडियंस रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कैनेडियंस जो यहाँ के बॉर्न हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कभी वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतना मतलब बुरा हाल नहीं देखा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू से पहले 1929 का डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर टू, ये सब बुरे हालात थे, राइट? जब कॉमन इंसान जो एक मिनिमम वेज पे काम कर रहा है या जो भी उसका स्किल लेवल है, वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, राइट? ऐसा तो नहीं कि बुरे हाल हो रखे हैं, रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अब ग्रॉसरीज देख कर आओ, दाम पूछो, बंदे को हॉल पड़ते हैं कि पता नहीं क्या मांग रहे हैं भाई, ये पैसे मांग रहे हैं, किडनियाँ मांग रहे हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना अभी फिलहाल कनाडा का चल रहा है। नो डाउट 2008 में डिप्रेशन आया था, बट वो सबके साथ था, राइट? मैं सबके साथ जो होने वाली चीज़ है वो तो फिर सबके साथ कॉमन है, राइट? बट अभी जो फिलहाल कनाडा में हो रहा है, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही कनाडा के लिए है, मतलब कनाडा में ही हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, अफोर्डेबिलिटी, रहना, एक जो इंसान को कॉमन चीज़ें चाहिए होती है रहने के लिए यार, वो नहीं अफोर्ड हो पा रही, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक चिंता का विषय है। एक रीज़न तो नहीं है इन्फ्लेशन का, क्यों हुई, कैसे हुई, बहुत सारे रीजंस हैं और उन सब रीजंस के बारे में बात करेंगे, बट एक रीज़न ये है बहुत बड़ा मेरे हिसाब से, कि जो हमारी इमिग्रेशन आ रही है कनाडा में, इमिग्रेशन हर तरह की होती है, स्टडी, वर्क, राइट? अब जो इमिग्रेशन आ रही है इंडिया से या किसी भी और मुल्क से या किसी भी और देश से, वो यहाँ पे आके एक्सपेक्ट करेगी कि भाई यार कुछ कॉमन चीज़ें तो हो मेरे पास, रहने की जगह हो, एक घर मिले मेरे को, पूरा घर ना मिले बट एक रूम मिल जाए भाई, खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड हो, मतलब मैं कर पाऊँ, मैं अफोर्ड कर सकूँ, जाके मैं कभी कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, बाहर घूम लिया दोस्तों के साथ, गाड़ी है, कुछ है, ये जो सब कॉमन खर्चे होते हैं, राइट? वो बाहर हो चुके हैं अब अफोर्डेबिलिटी से। क्यों हुए हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बात करेंगे सबसे पहले कोविड की। देखो, कोविड ने बहुत कुछ चेंज किया है, दुनिया ही चेंज करी है, राइट? लाइफ चेंज हुई है लोगों की, दुनिया चेंज हुई है, इकोनॉमीज चेंज हुई हैं, थिंकिंग चेंज हो गई है लोगों की, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है, तो कोविड बहुत बड़ा रीज़न है। कोविड ने क्या किया था कि भाई कोविड ने सबसे पहले तो कनाडा की जो एक मेडिकल मेडिकल बबल है ना, उसको बर्स्ट किया। नो डाउट डेवलप्ड नेशन है, नो डाउट इकॉनमी बहुत अच्छी है, टॉप 10 इकॉनमीज में है कनाडा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा, आई थिंक पता नहीं कितने साल हो गए हैं, दो तीन शहर जो अपने वैंकूवर है, कैलगरी है, राइट, ये आते रहते हैं मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में। तो बात या इशू कनाडा का नहीं है, आई थिंक कनाडा के लोगों का है, या लोगों के रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट का है। तो कोविड में भाई सबसे पहले मुश्किल हालात ये हुए थे कि भाई सेचुरेशन लेवल आ गया था, समझ गए थे लोग, सब समझ गए थे कि भाई कनाडा का जो मेडिकल सिस्टम है वो अगर एक कोविड, एक इन्फेक्शन से इतना ज़्यादा नीचे, नीज पे आ गया है, घुटनों पे गिर गया है, तो यार अगर कोई प्रॉपर पेंडेमिक, कुछ ऐसी चीज़ आई होती जो मतलब खतरनाक होती, तब तो भाई मुश्किल थे इनके तो। यार सिंपल मैं सच्ची बताऊँ, नो डाउट कोविड वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन, बट इट कुड हैव बिन वर्स,
कुछ और भी हो सकता था यार, ये तो एटलीस्ट अभी एक इन्फेक्शन है ना जो एक बॉडी को अफेक्ट करता है, लंग्स को या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को या जैसे भी कोविड एक्ट करता है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए बट ओरिजिनली दैट वाज व्हाट कोविड डिड, राइट। पर्दाफाश हो गया था, पता लग गया था लोगों को मेडिकल नहीं है, यहाँ हाथ खड़े हो गए थे यार लोगों के, नर्सेज डॉक्टर्स है ही नहीं, है ही नहीं। यह तो होता है ना कि भाई कम है, कम कम भी एक वर्ड होता है, राइट। कम की बात नहीं है, है ही नहीं, जो हैं वो बस बड़े शहरों में और उनमें भी लाइनें लगी हुई हैं। अब जो ये मेरे हिसाब से कनाडा में 4 पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, मैं पॉपुलेशन सेंटर्स कहूँगा बट ऑफ कोर्स दे आर मेट्रोपॉलिटन एरियाज। पहला है जीटीए, जीटीए टोरंटो, ग्रेटर टोरंटो एरिया। मैं उसको कंपेयर करता हूँ दिल्ली के साथ, बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा है, तो दिल्ली के कंपेरिजन क्यों मतलब बनता है उसका। फिर आता है मॉन्ट्रियल और फिर ग्रेटर मॉन्ट्रियल एरिया, उसको मैं कंपेयर करता हूँ चेन्नई वाले एरिया से, बहुत बड़ा है, आईटी बहुत है, राइट। फिर आता है अपना एडमिंस्टन, एडमिंटन और कैलगरी, सॉरी कैलगरी इज कहना तो नहीं चाहिए बट रफली रफली यू कैन से कोलकाता वाला एरिया है। ऑफ कोर्स समुंदर नहीं है बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लाइक वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, आईटी है, बूमिंग है। कैलगरी तो भाई मतलब टॉप 10 लिवेबल सिटीज में पता नहीं कितने कितने सालों से टॉप में आ रहा है, राइट। बाकी बचा वैंकूवर, वैंकूवर इज मुंबई ऑफ कनाडा। वैंकूवर तो पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे तो मतलब महंगाई, लिवेबल जो जगहें हैं जो आप अगर शहर में जाके घर लेने की कोशिश करोगे फिर वो तो भाई ऐसा है कि भी मतलब किडनियाँ कुड़नियाँ प्लेट में से जाके लेके जाओ पहले ही। वैंकूवर का तो पहले से बुरा हाल था बीसी का, बट अब जो बाकी के देश का हुआ है वो कोविड ने वही पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश कैसे किया भाई, मेडिकल तो घुटनों पे आ गया था, सेचुरेशन हो चुकी थी, है ही नहीं, कुछ था ही नहीं करने को, क्या करे, डॉक्टर ही नहीं है, नर्स ही नहीं है, कुछ क्या करे बंदा। उसके बाद जी हमारा सप्लाई चेन डिसरप्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन जो कोविड में हुई उसके इफेक्ट्स अब तक हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड का दिक्कत आया। दिक्कत क्या आई जी, सप्लाई होने रही चीज़ है, डिमांड बढ़ती जा रही है, खाने वाले लोग देसी घी बहुत हैं बट देसी घी बन ही नहीं रहा, बन रहा है तो फिर भाई वो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि भाई उसके दाम इतने बढ़ा देने पड़ रहे हैं। तो ये जो ऊंच नीच ऊंच नीच जैसे धीरे धीरे करके बढ़ती गई है ना, पहले कॉस्ट बढ़ा दो फिर डिमांड फिर कॉस्ट फिर डाउन, ऐसे कर करके इन्फ्लेशन लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इवन मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आ रही कि भी करना क्या है, क्या बोल रहे हैं, जनता को भी क्या बोले। और व्हेन आई से गवर्नमेंट, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूंगा, ट्रूडो बैठे हैं जी अभी फिलहाल लिबरल हैं, बट लोग तो अब आपको पता है मतलब जो कैनेडियंस देख रहे हैं या जो उनको पता है कि भाई अब एफ ट्रूडो चलता है हर जगह। और मैं भी बहुत टाइम तक एक फैन था, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके अगेंस्ट हो गया हूँ बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉलिसीज दैट ही इज इंट्रोड्यूस्ड एंड द वे दैट ही इज गवर्निंग थोड़ा सा नहीं ठीक, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट वो आई थिंक इलॉजिकल हैं, राइट। आप खड़े हो के कैमरे के सामने एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई हाउसिंग अकोमोडेशन फेडरल लेवल पे मेरी प्रायोरिटी नहीं है, कैसे हो सकता है। अगर आप सोचो दिल्ली में खड़े होके मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई नए घर बनाने, न्यू हाउसिंग चाहिए, बहुत लोगों के वो नए घर चाहिए, जो भी अकोमोडेशन का एक होता है हाउसिंग का, सोचो पीएम मोदी खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट्स अपने आप देख लो, तो भाई कोई बात बनेगी, सहन करोगे बंदे, नहीं करेंगे। वही लोग यहाँ पे कैनेडियंस नहीं सहन कर पा रहे कि भाई हमें इश्यूज आ रहे हैं इतने सारे और तुम कह रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पॉलिसीज बहुत बड़ा एक इशू है जिस पे काम करना पड़ेगा ट्रूडो को। अब आता है यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन होगी, कोविड, सप्लाई चेन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिर आता है यूक्रेन वॉर। मैं पिछले साल 2022 में मार्च में मैं नोवा स्कोशिया आया हूँ हेलीफैक्स, उससे पहले मैं हेलीफैक्स से पहले मैं थोड़ी देर सिडनी में रहा हूँ, सिडनी केप ब्रिटन, फिर अभी इस साल मैं हेलीफैक्स आया हूँ। बट मेरे को 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं यहाँ पे, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैंने तेल
का दाम यहाँ पे 1.7 के नीचे दिखा ही नहीं, मेरे होश में तो नहीं हुआ भाई। कोई एक आधा दिन आया होगा जिस दिन 1.4 1.5 कर दिया होगा इन्होंने, बट वेरी पॉजिटिव मैं जिस दिन गया हूँ तेल भरवाने उस दिन तो 1.8 1.7 से कम कभी रहा ही नहीं। ठीक है, आज के टाइम अभी इसी सेकंड मैं सुबह गया था, आज के दिन मैं लाइव प्राइसेस भी चेक कर रहा था अभी 1.87 1.87 $1.87 आप 1 लीटर के लिए दे रहे हो। तो यार बाकी सब चीज़ों के दाम तो फटे चकने हैं। अब यूक्रेन वॉर के कारण क्या हुआ कि भाई जी हमने तेल, ऑब्वियसली सैंक्शंस लगे रशिया पे, तेल आना बंद हो गया। अब जब तेल एक जगह से नहीं आ रहा तो बाकी सब जगहों के रास्ते बंद हो जाते हैं। हम तो वैसे ही कैनेडा मतलब नाटो का है तो जी हाथ जोड़ के हम चले गए यूक्रेन वॉर में, पैसा दिया पता नहीं कितने 8, 9, 10 बिलियन डॉलर अब तक हम उनकी इकोनॉमी में पंप कर चुके हैं। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं वॉर के अगेंस्ट हूँ, बट मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि हम यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट यार किसी और को हेल्प करने से पहले खुद की तो देखो भी क्या हालात हैं, खुद के हालात हमारे फटे हाल हो चुके हैं। हाउसिंग बबल जो इतना बड़ा बना रखा है ना कनाडा ने, इतना बड़ा बबल भाई वो फट गया। ठीक है, एक बंदे ने तीन तीन चार चार घर ले रखे थे, ठीक है, एक घर लिया पहले, ठीक है, पैसा मंगवाया इंडिया से, डाउन पेमेंट करी, घर लिया, वो सेल्फ सस्टेनिंग हुआ, प्रॉफिट दिखा, चलो जी दूसरा घर पकड़ो, तीसरा पकड़ो, चौथा पकड़ो। सेल्फ सस्टेनिंग तो वो हो गए, बट उसके कारण क्या हुआ है, हम सब ने मिलकर एक घर, एक 3 बेडरूम घर जो 4 लाख का होता था, मतलब $400,000 का होता था, $500,000 का होता था इन द सिटी, उसको हमने पहुंचा दिया मिलियन पे। भाई हु इज गोना अफोर्ड अ $1 मिलियन हाउस नाउ। बॉर्डर के उस पार यूएस में देखो लिटरली नायगरा, नायगरा फॉल्स जो है, नायगरा हमारी तरफ भी है, नायगरा उनकी तरफ भी है, राइट। उनकी तरफ पहले बफलो शहर मतलब जो न्यूयॉर्क का जो है वहाँ पे वो आता है पहले, बफलो इज द मेजर सिटी, हमारे तरफ नायगरा फॉल्स है। जाके चेक करो रेट यार, सेम घर मे बी बिगर स्क्वायर फीट के हिसाब से, एवरीथिंग इज चीपर इन द स्टेट्स नाउ। और कनाडा में ऐसे ऐसे उठाया, ऐसे वो था ना वेलकम किया, ऐसे की ऐसे ऐसे उठाया, बुरा हाल कर दिया है हाउसिंग का। और ये भी इन्फ्लेशन के अंदर ही है, जब आपकी घर को बनाने के जो मटेरियल है उनके दाम बड़े हुए होंगे तो सोचो भाई घर कितने महंगे बनने हैं, बिकेंगे कितने महंगे, उसकी रेनोवेशन का कितना महंगा काम होना है। ये हाउसिंग बबल हो गया, ठीक है। फिर आगे इमिग्रेशन, देखो इमिग्रेशन जो भी है जैसी भी है चल रही है, कनाडा की बैकबोन है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आज बंद कर दो तो कनाडा सच्ची में मैं कहूँगा डूब ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक कनाडा की जो मेन इकोनॉमी है वो इमिग्रेशन ड्रिवन है, राइट। इमिग्रेशन पंप होती है यहाँ पे, लोग आते हैं, स्किल्ड लोग आते हैं और फिर वो स्किल्ड लोग इकोनॉमी में ऐड करते हैं, राइट। अब जब स्किल ही इतना बढ़ गया है कनाडा में, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स भी बननी चाहिए जो नहीं है। जॉब्स का जो सेक्टर है बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। अब ये ज़रूर मैं समझाना चाहूँगा कि भाई मतलब इमिग्रेशन के बाद जो लोग आते हैं फिर वो ढूंढते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, कोई भी जॉब मिल जाए भाई, पार्ट टाइम है, सबवे, मैकडॉनल्ड्स, इंडियन रेस्टोरेंट कुछ भी है मिल जाए, ठीक है, वो पार्ट टाइम जॉब। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अ फुल टाइम स्किल्ड जॉब, ठीक है। पार्ट टाइम तो है ही नहीं, वो तो गायब हो गई है। आप 2 मिनट गूगल करो टोरंटो जीटीए, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है जी, सिक्योरिटी जॉब्स जो पार्ट टाइम टाइप एक होता है ना कैजुअल वाला, लाइनें लगी हैं लोगों की। कौन कैसे कौन बोलेगा कि भाई जॉब कर लो जी, मैं दे रहा हूँ जॉब आगे करो, है ही नहीं, जब लाइनें लग गई हैं लोगों की। और ऑफ कोर्स न्यू इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, बुरा हाल है, रहने के लिए जगह नहीं है। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एक कमरा टोरंटो में 4 बंदे शेयर कर रहे हैं, उस रूम के इलाके बना दिए हैं, वही 4 कोने बन गए, 4 कोने 4 बंदे शेयर कर रहे हैं, एंड द रेंट $600 एक बंदे का, एक रूम से 2400 कमा रहे हैं। कितना खर्चा होगा उसका, कितना खर्चा आ जाता होगा बंदे का, लैंडलॉर्ड का, 1000 1500, एक रूम की बात हो रही है ना यार, घर की बात तो ना, अगर मेरे को लगता है उसने पूरा अपना
दो रूम चढ़ा दो मेरी बात खत्म हो जाती है, इतना बुरा हाल है। अब जो न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं यहाँ, मैं इमिग्रेंट अब कहूँगा तो बाहर के भी देश हैं भाई, इंडिया ही नहीं है गल्ला, यूके से यूरोप भी आया, पूरा इमिग्रेशन वहाँ से भी हो रही है, यूक्रेन से कितनी इमिग्रेशन हो रही है रिफ्यूजी स्टेटस पे, बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब लोग क्या है, ये इमिग्रेंट्स है राइट। अब उनको यहाँ पे ला के रख देना है, वो हाईली स्किल्ड है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना तुमने, मतलब कितना अब्रप्ट लॉजिक है इनका कि भाई आपको इमिग्रेशन करने के लिए आपको, आप अपने इंडिया में या किसी भी कंट्री में जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पे आप डॉक्टर हो, ठीक है, एक इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी, एक प्रॉपर आप यू नो स्किल्ड जॉब, एक स्किल्ड लेबर वाली जॉब कर रहे हो, आपको कनाडा में जब अप्लाई करना है तो आपको यही स्किल वगैरह सब कुछ शो करना है, प्रूफ करना है राइट ऑटवा को कि भाई ये देखो मेरे पास डिग्री है, मेरे पास BDS है, मेरे पास MDS है, मेरे पास BTech है, मेरे पास जो भी है। बट जिस दिन आप आते हो यहाँ कनाडा, कदम रखते हो, उस दिन भाई आपको सब कंपनियों ने बोल देना है कि भाई ये तो तूने बाहर से की है, मैं तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, होगा तो डॉक्टर 8 सालों का इंडिया में, यहाँ तो नहीं है। तो भाई तुम मतलब कोई लॉजिक बना स्किल के हिसाब से तुम लोगों को अंदर बांट रहे हो, बट जब अंदर घुस जाते हो फिर कहते हो कि भाई हमारा तो कोई है ही नहीं लॉजिक, कुछ कुछ तुक बना, ये इसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। अब बैंक ऑफ कनाडा कहता है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है कि भाई हमें नहीं लगता है इस चीज़ का कोई रिलेशन है हमारे इमिग्रेशन का इन्फ्लेशन के साथ। बट BMO बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, उन्होंने आई थिंक उनका एक कोई इकोनॉमिस्ट है, उसने बंदे ने आर्टिकल पब्लिश किया कि भाई है रीज़न, और क्यों नहीं है, आप अकोमोडेशन नहीं दे पा रहे, ठीक है, घर ही नहीं है, हाउसिंग ही नहीं है, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी उसके कारण, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है आज देख लो, लोग डाल रहे हैं कैनेडियंस 6 पोटेटोज 6 आलूओं के लिए तुम $9 पट रहे हो, $9 6 आलूओं के लिए, लॉजिक बनता है? तो जी ये सब कुछ चल रहा है अभी कनाडा में। ये तो मैंने एक बहुत ब्रीफ दिया है, ये तो बहुत ही सिंपल ब्रीफ, एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, हाल इससे बुरे हैं, मेरे साथ बाजू में कनेडियंस हैं मतलब लिटरली रो रहे होते हैं यार, बुरा हाल कर दिया है, 30-30 40-40 डॉलर घंटे का जो कमा रहे हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे अब, वाई, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं अगर हम अपनी मैं अपने देसी पने की बात करूँ तो भाई मेरे लिए देसी घी बहुत ज़रूरी है, $16 का होता था, आज पता नहीं 32-34, अगेन MRP तो है नहीं यहाँ पे, MRP वाला कंसेप्ट तो है नहीं, तो आपकी जो मर्जी आप पोस्ट करो, वही मैंने बताया था ना सप्लाई एंड डिमांड वाली, अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो जो $2 की चीज़ है आप भाई कह दो मैं $4 की बेच रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया में एटलीस्ट MRP तो है, यहाँ पे वो नहीं है, तो ये सब रीजंस हैं भाई, मतलब रीजंस तो बहुत है, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि भाई ये नहीं मैंने बोला या वो नहीं बोला, बट रीजंस बहुत हैं, ये मेन रीजंस हैं, ये अम्ब्रेला टर्म यूज कर ले आप कि भाई ये सब मेन रीजंस हैं जिनके कारण हो रहा है, और इमिग्रेशन इज पार्ट ऑफ दैट। तो भाई मेरे हिसाब से लोग जो भी अब आ रहे हैं कनाडा में, इमिग्रेंट्स किसी भी जगह से आ रहे हो, बट अगर आप देसी हो तो भाई मैं कहूँगा रुक जाओ अभी थोड़ी देर, यहाँ के रुलने से बेटर है जहाँ हो रुक जाओ, थोड़े हालात ठीक होने दो, ऑफकोर्स हालात ठीक होंगे, डेवलप्ड नेशन है और US के साथ लगता है, लगता है US ने कुछ होने देना है, आज कनाडा बैंकरप्ट होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो US ठीक खुश रहेगा? नहीं। नाटो ठीक रहेगा? नहीं। G20? नहीं। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, थिंग्स आर बैड, ऑफकोर्स थिंग्स आर बैड, यूक्रेन वॉर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोविड हुआ, ये सब जो चल रहा है, हाउसिंग बबल, रिसेशन नहीं आने दें, आई होप रिसेशन नहीं आएगा, थिंग्स आर बैड बट दे विल गेट बेटर, दे हैव टू गेट बेटर, ठीक है, एंड इसी होप में है, इसी होप में वीडियो को राउंड अप करते हैं। मेरा ये मानना है कि इमिग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करे अगर गवर्नमेंट, थिंग्स विल गेट बेटर, एटलीस्ट कैप कर दे कुछ हद तक आने दो राइट, और फिर हाउसिंग और इन सब भी सिचुएशंस पे थोड़ा गौर करो एटलीस्ट, ये तो ना बोलो फेडरल लेवल पे कि भाई वी डोंट केयर अबाउट द हाउसिंग, ये सब चीज़ें ठीक होंगी, देश अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, हालात बुरे हैं बट नॉट फॉर लॉन्ग, तो राउंड अप करते हैं वीडियो, और वीडियोस आती रहेंगी,
और टॉपिक से बात करेंगे कनाडा के बारे में, क्या चल रहा है कनाडा में, क्यों चल रहा है कनाडा में, और देसी लाइफ कोर्स उस पर ज़्यादा हमारा झुकाव रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।